Dear viewers and my dear students, Vande Mataram to all of you and have a nice day. Firstly, welcome to my channel, English Study with Aran. Dear, as you know, I am discussing with about article. I have taught you many types of rules and concepts, but nowadays I am explaining about exercises of the articles. So please watch it till end. आपको पता है कि हमारे articles के कई videos आपके सामने आ चुके हैं. उनका रूल्स जानने के लिए और कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमारे लास्ट वीडियोस को देखना ना भूलें. और अब इनकी मैं एक्सरसाइज लेकर के आई हूँ. आपको एक्सरसाइज में भी इसका एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी और बताऊँगी क्या कैसे कहाँ यूज किया जाना है. आपके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. देन लेट्स स्टार्ट. एक्सरसाइज के रूप में देखेंगे आप, मैं आपके सामने जो लेकर के आई हूँ 25 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ. 25 क्वेश्चन का मैं एक एक सीरीज़ तैयार कर रही हूँ और वही वही क्वेश्चन लेकर के आ रही हूँ जो आपको हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में मिलते हैं. तो क्वेश्चन आप देखते चलेंगे और उनका एक्सप्लेन भी करते चलूँगी और उसमें क्या फिलअप करना है वो भी बताते चलूँगी. तो आप भी अपनी नोटबुक लेकर के, पेन लेकर के बैठिए और यहाँ पर बताए गए सेंटेंसेस में से क्या कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है वो आपको वहाँ पर फिलअप करना है. तो सबसे पहले हम चलते हैं Fill in the blanks in the following sentences with appropriate articles. यानी कि आपको उपयुक्त आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल उपयुक्त, जो उचित हो, उपयुक्त आर्टिकल्स यहाँ पे फिलअप करने हैं. उपयुक्त आर्टिकल यहाँ पे फिलअप करने हैं. तो चलते हैं सेंटेंस हमारा, आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटीफुल पिक्चर. अब यहाँ पे देखो सच लगा हुआ है. अब ब्यूटीफुल, वैसे आप इसको तो अच्छी तरह से भर सकते हैं यहाँ के, यहाँ पर ये यूज किया जाना है. बट आपका रूल क्या कहता है, जिस किसी सेंटेंस में सच मैनी और वॉट लगा हो सच मैनी और वॉट लगा हो, उसमें हम हमेशा ऑलवेज वी यूज़ ए आर्टिकल का यूज किया जाता है. पर कहाँ पर यूज किया जाता है, सच और उसमें आई एडजेक्टिव के बीच में यूज किया जाता है. तो सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर. ठीक. नेक्स्ट है व्हाट अ गुड चांस. हमने बताया व्हाट भी लगा है. एक सेंटेंस और है हमारा कि जिस किसी सेंटेंस में व्हाट लगा हो, ये तो रूल हमने आपको बता दिया. बट यदि सेंटेंस एक्सक्लामेटरी का है तो उसमें हम ए और एन का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोनंसिएशन ऑफ द एडजेक्टिव. तो यहाँ पे जो यूज होना है, यहाँ पे यूज किया जाना है ए का यूज. यहाँ भी ए का यूज किया जाना, व्हाट अ गुड चांस, कितना अच्छा मौका है. थर्ड सेंटेंस है आप, ही गेव मी 1000 रुपीज़. अब 1000 हुआ, 100 हुआ, लैक्स हुआ, इनके पहले ए का यूज किया जाता है. यदि मान लीजिए उसमें 2000 ऐसा कुछ ना लिखा हो, तो इनमें से 1000 के पहले हम ए का यूज करते हैं. द मैरिज टेक्स प्लेस ऑन 11th ऑफ दिसंबर. यानी कि मैरिज जो है, शादी जो होने वाली है, कहाँ पे होने, कब होगी, 12 दिसंबर को. तो ये 12 दिसंबर जो यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो सब ये 12th लिखा हुआ है, 12th जो है तो ऑर्डिनल नंबर्स हैं. ऑर्डिनल नंबर्स के पहले हमेशा द का यूज किया जाता है. बट हमारे ऑर्डिनल नंबर यदि हमारे रोमन संख्या में है, रोमन संख्या 1, 2, 3 ऐसे 10, 11 इनमें से यदि हमारे रोमन संख्या में है, तब वहाँ पर हम दा का यूज नहीं करते हैं. यदि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ट्वेल्थ, इलेवेंथ इस प्रकार से हैं, तब वहाँ पे दा का यूज किया जाता, तो देखेंगे आप अच्छी तरह से समझते चलिएगा. बता दिया गया है, आप भी पेन कॉपी में लिखते चलें. अब आता है आगे
कि यदि एब्रिविएशन होता है वर्ड या फ्रेजेस का शॉर्ट फॉर्म, किसी कंपनी का किसी का भी शॉर्ट फॉर्म यदि आता है तब वहाँ पर एन का यूज किया जाता है। किसी भी डिग्री का शॉर्ट फॉर्म आया वहाँ भी एन का यूज किया जाता है। बट कभी भी जब इनका फुल फॉर्म आता है तब इनके नाम के पहले ए लगाया जाता है। जैसे ही इज़, यहाँ पे एम ए है, यहाँ पे यदि हम लिखेंगे ही इज़ मास्टर ऑफ आर्ट तब वहाँ पे ए का यूज करेंगे। बट यदि ये शॉर्ट फॉर्म में है तो वहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा देखिए आपका आ गया सामने, ही इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ये तो बहुत सरल है, ही इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यू का प्रोनंसिएशन क्या हो रहा है हिंदी का, या यू हो रहा है, तो यू में क्या लगाते हैं हम हमेशा, ये हमारा हिंदी का कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट जैसा यदि हमारा प्रोनंसिएशन होता है वहाँ पे ए का यूज किया जाता है। द वर्कर्स है परफॉर्म्ड यूनियन में भी यहाँ पे यू जैसा प्रोनंसिएशन आ रहा है इसलिए यहाँ भी ए का यूज किया जाएगा। हियर इज एलिफेंट। अब ये तो बहुत ही सिंपल आ गया, एकाक सेंटेंस ऐसे भी आ जाते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं जिसका प्रोनंसिएशन हमारा वोवेल जैसा हो रहा है, वोवेल ही है जैसा नहीं वोवेल ही है, इसलिए वोवेल के पहले एन का यूज किया जाता है। अब फिर से अब आ गया ही इज एम ए इन इंग्लिश, यहाँ भी शॉर्ट फॉर्म आ गया, ये आपका एब्रिविएशन आ गया है। एब्रिविएशन के पहले हमेशा एन का यूज किया जाता है। ही गेव द बेगर 1 रुपी नोट। अब यदि वा ओ हो लेकिन उसका प्रोनंसिएशन वाह हो, ओ हो प्रोनंसिएशन क्या हो वाह हो, वहाँ भी ए का यूज किया जाता है। बिकॉज ए जो है हमारा हिंदी का वा जो है हिंदी का ये क्या है कॉन्सोनेंट है। दिस इज़ यूजफुल मेडिसिन, यूजफुल यहाँ फिर से आपका यू आ गया इसलिए यहाँ ए का यूज किया जाएगा। वी शैल स्टे इन आ होटल। अब यहाँ होटल का अंग्रेजी एच जो है एच का प्रोनंसिएशन एच हो रहा है, यहाँ पे एच का प्रोनंसिएशन क्या हो रहा है हा हो रहा है, तो जब एच का प्रोनंसिएशन हा होता है वहाँ पे ए का यूज किया जाता है। ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे एक बार आपको साफ साफ पुनः भर देते हैं। यहाँ पे ए का यूज़, यहाँ भी ए का यूज़, यहाँ पे एन का यूज़, यहाँ भी एन का यूज़। आप अपने पेन कॉपी पे लिखते चलें, यहाँ आएगा वन के स्थान पे ए, यूज़फुल ए, एंड होटल होटल में भी ए का यूज किया जाना है। अब आगे चलते हैं, आप इसको लिख लिए होंगे, आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा स्काई इज़ ओवरकास्ट यानी कि आकाश बादलों से भरा हुआ है। आपको बताया गया है कि संसार में बहुत सारी चीज़ें जो दुर्लभ हैं और एक हैं, उनके समान कोई दूसरा नहीं है, आकाश एक ही है, इसलिए ऐसी थिंग्स के पहले द का यूज किया जाता है। आई फर्स्ट सा हिमालयस द। अब हिमालय चूँकि ये प्रॉपर नाउन, हिमालय क्या है प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के पहले आप जानते हैं कि पर्वत पठार खाड़ियाँ इनके नामों के पहले हम द का यूज करते हैं। और यहाँ पे आई फर्स्ट सा द हिमालयस आ ईयर एगो, एक साल पहले देखा। ठीक, यहाँ आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेंटेंस, लेट अस डिस्कस प्रॉब्लम सीरियसली। अब चूंकि कोई प्रॉब्लम किसी विशेष मैटर पर डिस्कशन किया जाना है तो वो पूरा का पूरा उसका सेंस ही क्या हो गया है, ग्रेट हो गया है, वो सेंस ही ग्रेट हो, जहाँ पे ग्रेट का सेंस आता है, ग्रेट का सेंस आ रहा है वहाँ पे आप हमेशा जानते हैं कि द का यूज किया जाता है, वहाँ पे द का यूज होता है। नेक्स्ट है ही रीड्स गीता ट्विस्ट अ डे।
तो गीता, गीता यहाँ पे क्या है, हमारा ग्रंथ है। गीता यहाँ पे ग्रंथ है, हॉली बुक है। यहाँ हॉली बुक गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, ये सभी हमारी हॉली बुक है। तो इन हॉली बुक्स के पहले भी हम दा का यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। तो ही रीड्स द गीता ट्विस आ डे, यानी कि एक दिन में दो बार वह गीता पढ़ता है। ठीक, तो यहाँ आपका सेंस क्लियर हुआ। मार्च इज थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। हमने क्या बताया आपको कि ऑर्डिनल नंबर के पहले हम दा का यूज करेंगे। तो मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, वर्ष का मार्च जो है तीसरा महीना है। नेक्स्ट है हिज कार स्ट्रक आ ट्री। पहले आप देखिए, पहले बार यदि कोई शब्द आता है तो वहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू प्रोनंसिएशन ही यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट वॉवेल के जैसे। बट वही शब्द उसी सेंटेंस में या उसी पैराग्राफ में बार बार आता है तब वहाँ पर हम दा का यूज करते हैं। हिज कार स्ट्रक अ ट्री, उसका कार एक पेड़ से टकराया। यू कैन स्टिल सी द मार्क। अब चूँकि यहाँ मार्क के पहले दा का यूज किया जाना है, दोबारा वही ट्री आया, पुनः से पेड़ आया, तो यहाँ पे दा का यूज किया जाएगा। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में यदि वही शब्द या किसी पैराग्राफ में वही शब्द बार बार आता है तो एक बार अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ए एन दा के रूप में उसका यूज किया जा चुका होता है, तब वही शब्द जब दोबारा आता है तो दा का यूज किया जाता है, दा का यूज किया जाता है। अब चलते हैं आगे, तो आगे भी देख लीजिएगा। आगे हमारा ये, इसको आप लिख लेंगे एक बार अपने पेन कॉपी में, ये पूरे सेंटेंसेस को आप लिख लेंगे। अब इसको हम चलते हैं, आगे चलने के लिए हमें इसे रिमूव करना होगा। अब इस प्रकार से हमारा आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आ गए हैं। आई पेटेड ऑन द शोल्डर। ठीक, यहाँ शोल्डर यानी होता है कंधा। मैंने कंधे को थपथपाया, तो कंधे पर थपथपाया, यहाँ पे इसका यूज दा के रूप में किया गया है। यहाँ पे शोल्डर के पहले, क्योंकि शोल्डर बॉडी पार्ट है और बॉडी पार्ट के जैसे हमारा शोल्डर, ये शोल्डर वगैरह हो गए, इनके पहले हम दा का यूज करते हैं। अब चलते हैं आगे, आगे चलने के लिए अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मड हड वॉज ओनली होम ही हैड इवन नॉन, यानी मड हड यानी मिट्टी से बने हुई झोपड़ियाँ जो होती हैं, तो मिट्टी से बनी हुई झोपड़ी जो है, तो यहाँ पे अ मड हट वॉज यहाँ पे दा लिख दिए। यहाँ पे आ सूखी स्टार्टिंग में है, इसलिए यहाँ पे मड हट वॉज ओनली के पहले यहाँ पे दा लगाएंगे, दा का यूज़ किया जाना है। अ मड हट वॉज द ओनली होम ही हैड इवर नॉन, यानी जो मिट्टी के बनी झोपड़ियाँ होती हैं तो घर के रूप में जानी जाती हैं, है ना, ही हैड ये जानी जाती थी, इनको घर ही बोला जाता था, ऐसा करके है। तो नेक्स्ट देखेंगे ही अराइव्ड होम, नो आर्टिकल यहाँ पे यूज किया जाना है, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। आपके एग्ज़ाम में देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपके माइंड का टेस्ट लेने के लिए, एग्ज़ाम टेस्टी जो होता है वो एक प्रकार से टेस्टी तो होता है, आपके माइंड को ही देखा जाता है। ही अराइव्ड होम आफ्टर डार्क, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाना है, तो आप बड़े शान से इसको ले सकते हैं, नो आर्टिकल। इफ़ यू इंटरफेयर विथ नेचर यू विल सफ़र फॉर इट, यदि आप प्रकृति से छेड़खानी करते हैं तो आपको कष्ट झेलना पड़ेगा। तो इसमें भी नो नेचर के पहले, नेचर के जो पहले है, तो कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, तो प्रकृति इसके पहले नो आर्टिकल, यहाँ भी नो आर्टिकल का ही यूज है, यानी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाना है। What kind of book do you want? किस प्रकार की पुस्तक आप चाहते हैं, ये भी सेंटेंस पूरा का पूरा सही है, ये भी आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसे सेंटेंसेज आते हैं, यहाँ भी हम नो आर्टिकल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कालिदास वॉज आ पोएट,
कालिदास वाज आ पोएट, कालिदास क्या थे, एक कवि थे। एंड ड्रामेस्टिक, एंड ड्रामेस्टिक यानी कि यहाँ पे जो फिल दिया हुआ है, ब्लैंक स्पेस दिया है, इस ब्लैंक स्पेस में नो आर्टिकल का यूज किया जाना है। देखिए हम आपको पूरे आर्टिकल का यूज के साथ साथ नो आर्टिकल भी कैसे कहाँ कैसे यूज किए जाते हैं वो भी हम साथ साथ बताते चल रहे हैं। अब हमारा 25 क्वेश्चन, 25 सेंटेंस एंड लास्ट सेंटेंस भी है ये आपका। तो यहाँ पे देखिए, यू वाज टाइड टू अ ट्री विथ अ रोप। यहाँ पे क्या होगा, देखिए आ यू, यू माने क्या होता है, मादा भेड़, यू माने मादा भेड़। तो यहाँ इसका प्रोनंसिएशन इसका क्या हो रहा है, यू हो रहा है। ई डब्ल्यू है, ई डब्ल्यू है, ई डब्ल्यू तो है, बट इसका प्रोनंसिएशन क्या हो रहा है, ई हो रहा है, यू, यू हो रहा है। किसके जैसा हो रहा है, किसके जैसा हो रहा है, हमारा कॉन्सोनेंट के जैसे, ये कॉन्सोनेंट के जैसे हो रहा है। इसलिए यहाँ कॉन्सोनेंट के जैसा जिसका भी प्रोनंसिएशन होता है, माइंड में बैठा लीजिए आप, वहाँ उसके पहले ए का यूज किया जाता है, और जिसका भी प्रोनंसिएशन बॉबल जैसा होता है वहाँ उसका यूज एन का यूज किया जाता है। ये आप अपने माइंड में अच्छी तरह से बैठा के चले। तो आ यू वॉज ट्राइड टू ट्री, आ ट्री, आ ट्री एक पेड़ से बंधी, भी था रोप एक रस्सी से, भी था रोप। इस तरह से आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे ये सारे सेंटेंसेस अपने नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे और माइंड में भी लिखने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको कहीं भी कोई भी डिफ़िकल्टीज़ का सामना ना करना पड़े और बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह के आप हमारे और भी वीडियोज़ को देखने के लिए, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे कमेंट में बता दीजिए कि आप मैम इस तरह से और वीडियोज़ बना के हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए, हम आपको लेके आते रहेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट।